कोई कुछ नहीं होता कि क्या बंद होता है। हम बात को कभी छुपाना नहीं पड़ता है, इसलिए कोई छुपता नहीं है। सच्चाई के लिए खुल के आती है, चाहे चिंता में जाते हो तो खुल के आती है। सभी व्यक्तिगत सबका नाम लेना अभी संभव भी नहीं है, लेकिन सब माध्यम है और सभी जो है हमारे ये लोग है इनके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ते हैं। आज का दिन इतिहास का जो है एक ऐतिहासिक दिन है, करमाट शहर के लिए बहुत बड़ी घटना है। हम जो महान पुरुष की जयंती मनाते हैं इसका अर्थ क्या होता है, क्यों याद करते हैं उनको? हमारा देश ये सभ्यता संस्कृति का देश है, पूरे विश्व में अपना इसकी महान सभ्यता है, महान संस्कृति है। यहां सब कल्प का इस्तेमाल किया गया है, यही परंपरा इस देश की है कि यहां सब मिलकर रहते हैं। एक तरफ आजान की होती है, शब्द बजता है, मंदिर में घंटे भी बजते हैं और हम मौजे मौजा आजान देता है। ऐसी हमारी भारत की पहचान है। इस पहचान को पहले भी नजर लगेगी, अब भी नजर लगेगी। अंग्रेजों ने आज टिपू सुल्तान की जयंती है, टिपू सुल्तान के बारे में बता दूं आपको कि जब महान व्यक्ति पैदा होती है तो बचपन में महान व्यक्ति नहीं होती है, तारीख को लेकर बड़ी जो है मिलता है। कुछ लोग बोलते हैं कि 10 नवंबर आपका जन्मदिन है, कुछ बोलते हैं कि 20 नवंबर है, कोई बोलते हैं 1 दिसंबर है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जब महापुरुष का इतिहास देखते हैं तो इसमें बातें आती है। तो टिप्पू सुल्तान जिनका नाम फतेह मोहम्मद था, हैदर अली के पिता का नाम था, हैदर अली टिप्पू के बहुत बड़े सूफी संत थे, उनके नाम पर जो है फतेह मोहम्मद का नाम टिप्पू सुल्तान रखा गया है। नौजवान थे, बहादुर थे और बहादुरी में आत्मसार आप थे। दुर्भाग्य की बात है जो हीरो थे उनको विलन बनाया जा रहा है, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा किया जा रहा है, और जो गद्दार थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। परसों में राय लक्ष्मी बाई के बारे में पढ़ रहा था, राय लक्ष्मी बाई जो है अंग्रेजों से लड़ाई की और सिंधिया जो फैमिली है, गवाले की फैमिली है, वो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। टिप्पू सुल्तान अंग्रेज से लड़ रहे थे और सैकड़ों ऐसे घराने थे जो अंग्रेज का साथ दे रहे थे। ये जो राजनीति थी अंग्रेजों के गुलामों ने, अंग्रेज के चार्टरकर्ताओं ने, जिन्होंने अंग्रेजों के सब कुछ दिया था, वो आज जो है उन देशभक्तों को गद्दार कर रहे हैं जो सब कुछ इच्छा कर दिया था देश के लिए। अंग्रेज ने कहा था सुल्तान के निधन के ऊपर कि आप सारा देश हमारा हो गया है। दोस्तों, दादा ने एक बात की है ऊपर, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बताया है कि उनके जो आरक्षक थे, उनके फौज में कितने लोग थे, और ये इतिहास है। मैं डंके की चोट पर कहूं इतिहास है, छत्रपति शिवाजी महाराज जितने मुस्लिम सैनिक थे, सरदार थे, जितने उनके खास लोग थे, कभी उन्होंने गद्दारी नहीं की उनके साथ में। जितने मुस्लिम मावे थे कभी गद्दारी नहीं किए। गद्दारी करने वाले कौन थे इतिहास पर लोग, धोखा किसी ने शिवाजी महाराज को वो याद कर लो, लेकिन आपको एक मुसलमान का नाम भी नहीं मिलेगा जिन्होंने दगा दिया शिवाजी महाराज को। आप जानते हैं उसमें शिवाजी महाराज को पकड़ने का नाम क्या था? क्या था? पढ़ो वाचांतर वाचा, हमें वाचक नहीं थी, वाचा हमसे कोई जीत आए। छत्रपति शिवाजी महाराज बनना था कि नाम क्या होता? शिवाजी होता। और त्यांचा भाव नाम क्या होता? शरीफ के होते। शाहजी मंदिर का हिंदू नाम आई है, ये मुस्लिम नाम आए। क्या नाम है जिसमें शिवाजी महाराज का नाम घूम मुसलमान को द्वेष करता, उसे नफरत करते हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए जिसमें शिवाजी महाराज के पिताजी का नाम